तो डालो भाई, आज की क्लास में पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अपनी हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे कि हम कोलाइडल सॉल्व क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वैसे कि आप सभी को पता है मेथड दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड, इन शॉर्ट अगर अपन बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोलाइडल सॉल्व आप बनाने जा रहे हो उसको प्रिपेयर करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका डिस्पर्शन मेथड, ठीक है, एक तो है डिस्पर्शन मेथड और दूसरा आपका होता है कंडेंसेशन मेथड। लिखते जाना कंडेंसेशन मेथड। अब डिस्पर्शन के अंदर हमारे तीन तरह के मेथड आते हैं, कौन कौन से आते हैं? तो डिस्पर्शन में हम पढ़ेंगे आपके, एक तो मैकेनिकल डिस्पर्शन, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, एंड लास्ट हम पढ़ेंगे पेप्टाइजेशन। कंडेंसेशन मेथड के अंदर जो आता है वो बहुत सारे मेथड आते हैं, इन शॉर्ट अगर अपन बात करें तो इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। यानी कंडेंसेशन मेथड के अंदर दो मेथड आ गए, एक आ गया फिजिकल मेथड और एक आ गया केमिकल। अब इन फिजिकल और केमिकल मेथड के अंदर भी बहुत सारे मेथड हैं, राइट। तो अब फिजिकल मेथड में कौन कौन से मेथड आएंगे? तो फिजिकल के अंदर आता है आपका एक तो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एंड दूसरा आएगा एक्सेसिव कूलिंग, यानी हम कूल करके भी बना सकते हैं। एक्सेसिव कूलिंग, तो ये दो हमारे फिजिकल मेथड आते हैं। केमिकल मेथड के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड ऑल। तो लिख लेना केमिकल मेथड में कौन कौन से मेथड आ गए, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, और ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन है तो एक आपका रिडक्शन मेथड भी आएगा ही, ठीक है, और कौन सा मेथड आएगा इसके अंदर, हाइड्रोलिसिस आएगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर। तो यहाँ तक नोट करो और एक एक मेथड को हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो कोलाइडल सॉल्व होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है लायोफोबिक और एक होता है लायोफिलिक। तो जो लायोफिलिक सॉल्व है वो तो ईजिली बन जाते हैं, उनको कूल कर लो, ठीक है, हल्का सा वार्म कर लो, शेक कर लो, तो लायोफिलिक सॉल्व तो ईजिली फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन जो दिक्कत आती है मेन हमें लायोफोबिक सॉल्व को फॉर्म करने में आती है। तो यहाँ तक नोट करो और एक एक मेथड अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालना है डिस्पर्शन मेथड। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल डिस्पर्शन। अब देखो मैकेनिकल डिस्पर्शन का मतलब क्या है, बड़े पार्टिकल को हम क्या करेंगे, कोलाइडल साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और यही जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है मैकेनिकल डिस्पर्शन। आप लोगों ने अगर देखा हो कि जो अपना फ्लोर मिल होता है, जहाँ पे आप लोग गेहूं से वीट से आटा पिसाते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे दो रोलर होते हैं जो कि एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो जो मैकेनिकल डिस्पर्शन होता है उसमें भी ऐसे दो रोलर होते हैं जो दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक स्टेशनरी और एक रोटेट कर रहा है।
अब इसमें हम करते क्या है, इसमें इधर से हम बड़े पार्टिकल्स जो कि हमारे सस्पेंशन हो गए, उन पार्टिकल्स को यहाँ से एंटर कराते हैं, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस हम उतना ही रखते हैं जितने साइज के पार्टिकल्स हमें क्या करने हैं, कोलाइडर फॉर्म करने हैं। तो यहाँ से जब आप हेवी पार्टिकल्स को पास कराओगे तो वो यहाँ पर आएंगे, दोनों ये जो रोलर कोस्टर हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट होते हैं। एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। इससे क्या होगा, ये जो हेवी पार्टिकल्स है प्रेशर भी ऊपर से लग रहा है, राइट, इसमें नीचे से भी लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ से जब आपने हेवी पार्टिकल्स को पास कराया तो यहाँ से जब पार्टिकल्स निकलेंगे तो वो क्या होंगे, वो उस साइज के पार्टिकल बन के निकलेंगे जितना साइज आपका किसका होता है, कोलाइडर का, पार्टिकल्स का होता है। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, मैकेनिकल डिस्पर्शन कहलाती है। समझ में आई? तो इसमें सर होता क्या है, एक बार फिर से बताएं ना। हाँ, अपना अपना जैसे फ्लोर मिल होता है ना, फ्लोर मिल में क्या होता है, दो रोलर होते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। यहाँ से आप वीट को एंटर कराते हो और वो क्या होता है, मतलब गेहूं को यहाँ से एंटर कराते हो और वो आटा भर के बाहर निकलता है। तो ऐसे ही जब हमें कोलाइडल पार्टिकल फॉर्म करने हैं तो हम क्या करते हैं, जो हेवी पार्टिकल बड़े पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन टाइप के, उनको यहाँ से पास कराते हैं। ये दोनों रोलर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हम बहुत कम रखते हैं, इतना कम जितना कि वो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर भी अप्लाई करके ये जो बीच के डिस्टेंस है ये चेंज कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स जब यहाँ से हेवी पार्टिकल या बड़े पार्टिकल यहाँ से पास होंगे और बाहर निकलेंगे तो बाहर निकल के उनकी जो साइज हो जाएगी वो उतनी होगी जितनी की कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज होगी। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है मैकेनिकल डिस्पर्शन। तो क्या लिखोगे इसमें, लिखो द सस्पेंशन इज पास, द सस्पेंशन इज पास थ्रू कोलाइडल मिल, इस मिल को हम कोलाइडल मिल बोलते हैं। द सस्पेंशन इज पास थ्रू कोलाइडल मिल वेयर द पार्टिकल्स आर ब्रोकन पार्टिकल्स आर ब्रोकन टू प्रोड्यूस पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज, टू प्रोड्यूस पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज, ठीक है। तो ये मेथड कहलाता है मैकेनिकल डिस्पर्शन। एग्जांपल इसका पेंट, इंक, इस ये जो पेंट वगैरह आप बनाते हो या इंक वगैरह जो कोलाइडल आप बनाते हो वो इसी तरह के फॉर्म होता है जनरली। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, दिस इज आवर सेकंड मेथड। अब इलेक्ट्रो डिस्पर्शन को हम दूसरा और नाम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन या इसको हम बोलते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, पहले आप कंसेप्ट समझ लेना और फिर अपन इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। इसमें हमने एक कंटेनर लिया, लेट से ये हमारा कंटेनर है। इस कंटेनर को हम एक आइस बाथ में आइस से भरा हुआ एक हम क्या लेंगे, बड़ा कंटेनर लेंगे, उसके अंदर पुट कर देते हैं। यानी ये हमारे पास एक होलो कंटेनर है जिसके वॉल्स में हमने क्या फिल किया हुआ है, आइस फिल किया हुआ है और उसके अंदर हमने इसको रख दिया, ठीक है ना। यानी यहाँ पे सब जगह पर क्या है, आइस भरी हुई है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रोड डालेंगे। अच्छा, इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ और इन इलेक्ट्रोड के बीच में हमने यहाँ पे एक मेटल की प्लेट रख दी। इस मेटल प्लेट में जिस भी मेटल का आपको कोलाइडल बनाना है उस मेटल के सॉलिड पार्टिकल्स को हम यहाँ क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है। अप्रोच समझ में आया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइस है और
ये हमारे पास कंटेनर है, ये हमारे पास वाटर है, और ये हमारे पास वो पार्टिकल है जिसका हमें कोलाइड बनाना है। अब इसमें अप्रोच क्या होती है कि आप क्या करो, आप ये जो इलेक्ट्रोड सामने लगाए हैं, इन इलेक्ट्रोड की हेल्प से इसमें क्या क्रिएट करो, शॉर्ट सर्किट क्रिएट करो, यहाँ से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अंदर भेजो। तो जब ये आर्क आपस में या ये इलेक्ट्रोड आपस में टच करेंगे तो उससे शॉर्ट सर्किट होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इस एनर्जी को ये पार्टिकल क्या करेंगे, सॉलिड पार्टिकल, और गेन करके वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो वेपर में कन्वर्ट होंगे तो वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में वेपर में कन्वर्ट होंगे। ये पार्टिकल्स जो कि वेपर में कन्वर्ट हुए, ये कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेंगे। अब कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेंगे तो कंटेनर की वॉल के चारों तरफ तो आपका क्या है, आइस है, तो बिल्कुल ठंडी है। तो अपनी एनर्जी कंटेनर की वॉल को ट्रांसफर करेंगे, कूल होंगे, और कूल होके ये वाटर में क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो आपका ये क्या हो गया, वाटर में हम क्या ये बोलते हैं, डिस्पर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वाटर में क्या होंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल या वो पार्टिकल साइज जो कि कोलाइडल पार्टिकल का होता है उसके फॉर्म में, और हमारा ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो मेथड कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। यानी इस मेथड में क्या किया हमने, दो इलेक्ट्रोड की हेल्प से स्पार्क क्रिएट किया या शॉर्ट सर्किट करके एनर्जी प्रोड्यूस की, उस एनर्जी को पार्टिकल्स गेन करते हैं, वेपराइज होते हैं, कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तब अपनी एनर्जी उन्हें ट्रांसफर करते हैं और कूल डाउन होके वापस किस में आ जाते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रेडिक्स आर्क मेथड या इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। अच्छा, इसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डालते हैं, जैसे कि KOH हो गया, तो डाल देना, तो यहाँ लिख देना स्टेबलाइजिंग एजेंट। कुछ अमाउंट में हम यहाँ पे स्टेबलाइजिंग एजेंट लेंगे, लाइक KOH, ठीक है। तो ये वाटर भी क्या हो गया, वाटर भी आइस बाथ के कांटेक्ट में आने की वजह से कूल हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और इस तरह से हमारा जो सॉल बनेगा वो कोलाइडल सॉल बनेगा। तो अब इससे हम कौन कौन से तरह के कोलाइड, किस किस मेटल के कोलाइड बनाते हैं, तो इसके एग्जांपल याद रख लेना, वो इम्पोर्टेंट है। प्लेटिनम, ठीक है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, जितने भी आपके कॉइनेज मेटल होते हैं, ये तीनों आपके कॉइनेज मेटल होते हैं, इनका सॉल हम इसी मेथड से जनरली प्रिपेयर करते हैं। लेड, सिर्फ कंटेनर के चारों तरफ आइस है क्या? हाँ, कंटेनर के चारों तरफ आइस है, मतलब आप तीन तरफ भी रख सकते हो, बट जनरली हमने जो ये अरेंजमेंट लिया उसमें चारों तरफ इसको आइस, आइस से पैक्ड कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है, पुट किया। क्लियर यहाँ तक? तो दिस मेथड इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोड डिस्पर्शन। तो थर्ड मेथड आता है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट बना के, तो इसमें लिखना पेप्टाइजेशन, लिखो इसमें, इट इज अपोजिट। पेप्टाइजेशन जो वर्ड है ये अपोजिट है कोगुलेशन का, है ना? आप कोगुलेशन क्या होता है ये मैं आगे समझाऊंगा, तो आप पेप्टाइजेशन का मीनिंग लिख लेना, अपोजिट ऑफ कोगुलेशन प्रोसेस। कोगुलेशन क्या होता है ये भी अपन इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे। तो ये क्या होता है, ये कोगुलेशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, तो लिखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट विथ डिस्पर्शन मीडियम, डीएम का मतलब है डिस्पर्शन मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट
द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। यानी क्या मीनिंग है इसका? हमने क्या किया, एक फ्रेश प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट जनरेट किया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट हमने बनाया। लेट से मान लो हमने AgCl का प्रेसिपिटेट बनाया जो कि व्हाइट कलर का होता है, और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम शेक करेंगे जिस भी डिस्पर्शन मीडियम में हमें उसका कोलाइड बनाना है। तो हमने क्या किया, एक ट्यूब ले ली, इस ट्यूब में यहाँ पर वो मीडियम ले लिया, ठीक है, और साइड से स्लोली हम इसमें वो प्रेसिपिटेट डालेंगे, और डालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ट्यूब को शेक करेंगे, और शेक करके हम थोड़ा सा इसमें स्मॉल अमाउंट हम इलेक्ट्रोलाइट भी डाल देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्ट बन जाएगा। ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस हमारी कहलाती है पेप्टाइजेशन। अब देखो इसमें जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उसको हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, लिख लेना, इलेक्ट्रोलाइट यूज इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रोलाइट जो आप यूज कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड AgI का प्रेसिपिटेट लिया, ठीक है, कैसा होता है AgI, येलो होता है, इसको हम क्या कर रहे हैं AgNO3 के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो जब आप इसको AgNO3 के साथ मिक्स करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सोल फॉर्म होगा, किसका, AgI की सरफेस पे Ag+ आके क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया, और आयनिक बॉन्ड से कौन अटैच है, NO3-। तो ये जो कोलाइडल सॉल्ट बना ये कौन से मेथड से बना, पेप्टाइजेशन से। तो इसमें होता क्या है, इसमें देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो ये आपका डिस्पर्शन मीडियम है लेट्स से, या ये आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो इसकी सरफेस पे जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है उसमें जो आयन कॉमन है वो आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो देखो AgI का हमने प्रेसिपिटेट लिया था, AgI में कौन और AgNO3 में कौन सा आयन कॉमन है, Ag+ आयन कॉमन है, तो Ag+ आयन क्या हो जाएगा, इसकी सरफेस पे आके अटैच हो जाएगा। एडजॉर्प्शन हो गया, हाँ यस एडजॉर्प्शन हो गया, सरफेस पे आ रहा है, और इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो NO3- आयन है उसको अपने साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट करके रखेगा, इसलिए इसके पास दूसरी तरफ NO3- आयन की लेयर बन जाएगी। तो ये जो प्रोसेस हुई ना, ये प्रोसेस कहलाती है पेप्टाइजेशन। तो ये तीन मेथड है डिस्पर्शन के, जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना कोलाइडल सॉल्व प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन मेथड। अब देखो हम इसमें यह भी पूछा जाता है कि कौन सा चार्ज सॉल्व बनेगा, तो चार्ज आपको डिटरमाइन करना है, तो आपको ये ध्यान से देखना है कि कौन सा आयन कॉमन है। जैसे कि AgI में जब हमने AgNO3 लिया तो इन दोनों में कौन सा आयन कॉमन था, Ag+ आयन कॉमन था, यानी सरफेस पे कौन सा आयन आ जाएगा, Ag+, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया इस पे। मान लो अगर अपन ऐसा लेते हैं AgI के साथ हम मिक्स करते किसको, लेट्स से KI को मिक्स करते, KI हमारा डिस्पर्शन मीडियम होता, तो अब हमारे पास कौन सा आयन कॉमन है, I-, तो सरफेस पे कौन सा आयन आता, अब I- आता, तो कौन सा चार्ज सॉल्व प्रिपेयर होता, तो उससे हमारा नेगेटिवली चार्ज सॉल्व प्रिपेयर होता। तो अगर आपको चार्ज एस्टिमेट करना है या डिटरमाइन करना है, तो आप देख लो कि उसमें जो आयन है वो कौन सा आयन कॉमन है, अगर नेगेटिवली चार्ज आयन कॉमन है, इसको मैं आगे और दिखाऊंगा डिटेल में, तो वो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व बनेगा। हाँ तो फिर बीच में कौन सा आयन कौन सा, बीच में तो AgI हो गया ना, ये तो AgI हो गया, ये तो आपका प्रेसिपिटेट है, तो इसकी सरफेस पे अब कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा, तो अब I- एडजॉर्ब होगा। जो भी आयन कॉमन होता है दोनों में
वो आयन आपका सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? जैसे कि अपना जो पहले वाला था, इसमें इस एग्जांपल में हमारा कौन सा आयन कॉमन था? AgI प्लस AgNO3। Ag प्लस आयन कॉमन था तो AgI की सरफेस पे कौन आ गया? Ag प्लस आयन आ गया। दूसरे एग्जांपल में AgI प्लस KI था तो I माइनस कॉमन था, इसलिए AgI की सरफेस पे कौन सा आयन आके एडजॉर्ब हुआ? I माइनस आके एडजॉर्ब। क्लियर अभी यहाँ तक? हाँ ओके। सीधा सा एक ही फंडा है, आप चाहो तो लिख, सीधा सा ये फंडा है, आप चाहो तो लिख लो कि कॉमन आयन जो भी होगा वही एडजॉर्ब कराना, कॉमन आयन एडजॉर्ब। ठीक है, ये आप याद रखना, जो भी कॉमन आयन होगा वही आपका सरफेस पे आके एडजॉर्ब होगा। तो ये था डिस्पर्शन मेथड। नेक्स्ट आता है अब अपना कौन सा सेकंड मेथड है? कंडेंसेशन मेथड। अब कंडेंसेशन मेथड में क्या होगा है ना, देख लेते हैं। तो कंडेंसेशन मेथड हमारा दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड। इसमें देखो ए फिजिकल मेथड, अब फिजिकल मेथड में क्या क्या आएगा? हाँ, तो फिजिकल में अपन ने देखे थे बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से फर्स्ट मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। यानी आपको क्या करना है, सोल्व बनाना है तो आप कैसे सोल्व बनाओगे? तो फर्स्ट मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का एक्सचेंज कैसे करेंगे? जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लो, इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, उस ट्रू सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं किसके साथ? दूसरे सॉल्वेंट के साथ, और दूसरे सॉल्वेंट को हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। और वो जो दूसरा सॉल्वेंट होता है ना, उसमें आपका सॉल्यूट क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें सल्फर का सोल बनाना है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हमें सल्फर का सोल बनाना है किसके साथ? वाटर के साथ। तो हमें पता है कि जो सल्फर है वो वाटर में कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। तो अब हम डायरेक्टली तो वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या लेंगे? पहले सल्फर लेंगे, किसमें? एल्कोहल के अंदर। तो हम लेते हैं सल्फर इन एल्कोहल। सल्फर आपका एल्कोहल में क्या होता है? मिक्स हो जाता है, डिजोल्व कर जाता है। तो हमने सल्फर इन एल्कोहल, ये हमारा क्या हो गया? ट्रू सॉल्यूशन हो गया, ये हमने लिया। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, जहां पर वाटर को हम किस में ले रहे हैं? एक्सेस में ले रहे हैं। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा? वाटर सल्फर इन एल्कोहल वाले ट्रू सॉल्यूशन में से एल्कोहल को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, और हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्व ऑफ सल्फर इन वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या भाग अलग हो जाएगा? एल्कोहल अलग हो जाएगा। तो ये मेथड हमारा कहलाता है एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट। यानी हमने क्या किया, हमें एक ऐसे एलिमेंट का या ऐसे कंपाउंड का सोल बनाना था जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, तो हमने ले लिया लेट से एग्जाम्पल सल्फर का सोल बनाना है। तो सल्फर वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो उसको मैंने ऐसे दूसरे सॉल्वेंट में मिक्स किया जिसमें कि वो ट्रू सॉल्यूशन बना ले। तो वो एल्कोहल में क्या करता है? ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। तो हमने सल्फर इन एल्कोहल ट्रू सॉल्यूशन लिया, उसको एक्सेस ऑफ वाटर में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद देखा कि वाटर क्या कर रहा है, एल्कोहल को रिप्लेस कर रहा है, और हमारा सल्फर का सोल बन रहा है किसके अंदर? दिस मेथड इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। लिख लो इसमें अगर आपको कुछ लिखना है तो। तो इसमें एक और चीज याद रखना है कि जो सॉल्यूट है, यहाँ लिख लेना, जो सॉल्यूट है वो तो इनसॉल्युबल रहेगा, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो सॉल्युबल होना चाहिए। देखो सॉल्यूट कैसा? इनसॉल्युबल, लेकिन सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट हमारा सॉल्युबल होना चाहिए किसके अंदर? जो आप जिस डिस्पर्शन मीडियम के अंदर आप क्या करना चाह रहे हो? सोल बनाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है एल्कोहल, एल्कोहल वाटर में सोल्युबल होता है, तो एल्कोहल यहाँ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट इज सोल्युबल इन वाटर, बट सल्फर इन सॉल्यूट है वो क्या है? वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये कंडीशन इसकी होती है जो आपको ध्यान।
सेकेंड मेथड है एक्सेसिव कूलिंग। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सेसिव कूलिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, आपका कोलाइडल सोल बना सकते हैं। ग्लूकोज में एक्सेसिव कूलिंग, एक्सेसिव कूलिंग, हाँ भाई एक्सेसिव कूलिंग क्या होता है, इसको भी एक एग्जांपल से ले लेते हैं, है ना। तो एग्जांपल से समझेंगे तो हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल ले लें, जैसे कि कोलाइडल सॉल्व ऑफ आइस है, वो भी किसी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर या क्लोरोफॉर्म में ले लेते हैं, उसको हमें प्रिपेयर करना है। तो बाय फ्रीजिंग द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द सॉल्वेंट, लिखो इसमें, पहले आप लिखो फिर मैं बस समझाता हूँ। लिखो कोलाइडल सॉल्व ऑफ आइस, आप लिखो कोलाइडल सॉल्व ऑफ आइस इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर और क्लोरोफॉर्म मे बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रीजिंग द मिक्सचर, prepared by freezing the mixture of water and the solvent. तो क्या समझा इससे, देखो कि हमें आइस का क्या करना है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे ईथर हो गया या क्लोरोफॉर्म हो गया, उसमें क्या बनाना है, कोलाइडल सॉल्व बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम उस मिक्सचर को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे वाटर के साथ और उस सॉल्वेंट के साथ, और उसको लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर देंगे, थोड़ी टाइम में फ्रिज कर देंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, एक्सेसिव कूलिंग कर दी ना, फ्रिज कर दिया, टेम्परेचर बहुत डाउन कर दिया, तो हमारा सॉल्व कर दिया, तो ये हमारा हो गया एक्सेसिव कूलिंग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, करें क्या क्वेश्चन सर, फिर से यहाँ तक। अच्छा देखो, एक्सेसिव कूलिंग में कुछ नहीं है, आपको जिस भी सॉल्यूट का या जिस भी सब्सटेंस का सॉल्व बनाना है, जैसे कि आइस का में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्व बनाना है, आपको पता है आइस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल। ठीक है, तो आइस का हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या बनाना है, सॉल्व बनाना है, जैसे कि ईथर में या क्लोरोफॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रीज करेंगे किस चीज के मिक्सचर को, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्वेंट, यानी आइस का हम लिक्विड फॉर्म लेंगे। हमने आइस का लिक्विड फॉर्म ले लिया, और उस लिक्विड फॉर्म क्या होता है, वाटर, वाटर को उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स करके हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। तो आपको पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, तो वाटर क्या हो जाएगा, पहले फ्रीज हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, तो वो फ्रीज नहीं होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्व फिल्टर हो जाएगा। यानी पहले दोनों लिक्विड में है, लेकिन जैसे जैसे आप कूल करते जाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, फ्रीज होते जाएंगे और आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि आपका जो क्लोरोफॉर्म या ईथर है वो एज इट इज है। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्व बन जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाओ, दोनों को लिक्विड फॉर्म में मिक्स करके। अभी क्लियर? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अब देखो हमें क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है कि लेट से हमारे पास एक मिक्सचर है 100 ml या 0.1 molar HNO3, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं मिक्स करा रहा हूँ किसके साथ, 100 ml अप्रोच समझ लेना। आप सबसे पहले क्या करो, केमिकल रिएक्शन लिखो दोनों के बीच। तो आपको पता है कि HNO3 को जब हम KI से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, AgI प्लस KNO3 बनेगा ना। तो AgNO3 के आप यहाँ पे मोल्स निकाल लो, तो मोल्स कैसे, मिली मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो मिली मोल्स में कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मिली मोल्स कैसे निकलेगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो कितना हो गया ये 10, KI का कितना हो गया 100 इंटू 0.2, कितना आ गया भाई मिली मोल्स, 20 आ गया। अब देखो दोनों के मिली मोल्स आ गए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये 10/1 हो गया, ये 20/1 हो गया। तो कौन होगा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, 10/1 यानी HNO3 हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट आ गया।
तो जब रिएक्शन टी इक्वल टू टी पे पूरा कंप्लीट हो जाएगी तो ये जीरो बचेगा, इसके 10 मोल बचेंगे, ठीक है, इसके 10 मोल बनेंगे और केएनओ3 के भी 10 मोल बनेंगे। अब एजीआई तो एक प्रेसिपिटेट है, तो देखो हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट आ गया। अब और क्या बचा है रिएक्टेंट में, केआई बचा है। तो एजीआई एंड केआई कौन सा आयन कॉमन है, आई आई तो माइनस। पेप्टाइजेशन होगा क्या? हाँ, तो पेप्टाइजेशन से आई माइनस क्या होगा, इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्ब होने के कारण ये कौन सा चार्ज सोल बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल या नेगेटिवली चार्ज सोल, देखो कौन सा आयन है। हाँ, तो यानी ये जो बनेगा, हाँ ये जो बनेगा वो नेगेटिव चार्ज सोल बनेगा। तो क्या इस तरह से आप चार्ज डिसाइड कर लोगे अगर न्यूमेरिकल दे दिया जाए, ठीक है, आपको एलिमिनेटिंग एजेंट का कांसेप्ट। और KNO3 भी बनाएंगे ना, बट KNO3 आपका प्रेसिपिटेट थोड़ा होता है, तो इसको हम क्यों लेंगे, अगर आपका KI प्रेसिपिटेट होता तो हम KNO3 लेते, भाई प्रेसिपिटेट आपका AGI है तो उससे हम कंपेयर करेंगे, तो AGI से और KI कौन सा है?